हर प्रेम कहानी उस दिन शुरू होती है जब दो लोग मिलते हैं, और खत्म तब होती है जब वो बिछड़ते हैं। लेकिन इन दोनों की कहानी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन ये मिले थे, क्योंकि बिछड़ना शायद इनके मुकद्दर में लिखा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अगले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते की एक्शन फिल्म मरजावा के दो दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने इन शुरुआती दो दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की, साथ ही साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन क्या हो चुका है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, शानदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग से भरी फिल्म मरजावा, जो कि एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलाप मिलन जवेरी ने, वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर है भूषण कुमार। फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख, तारा सुतारिया और रकुल प्रीत सिंह। दोस्तों, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज दो दिन हो चुके हैं, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही अपने पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई की, और यह फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर के हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बन चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपने करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग दिला दी, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इस फिल्म को, क्योंकि दोस्तों फिल्म का अंदर का जो एक्शन है वो काफी कमाल का है, साथ ही साथ फिल्म के जो डायलॉग है वो भी काफी धमाकेदार थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मरजावा फिल्म को रिलीज होते ही पब्लिक की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, और फिल्म के पब्लिक रिव्यू काफी दमदार है। जी हां दोस्तों, जो जो लोग इस फिल्म को देखकर आए सभी ने इस फिल्म की तारीफ की है। जी हां दोस्तों, मैं खुद भी कल इस फिल्म के पब्लिक रिव्यू लेने गया था, और मैंने थिएटर के बाहर जितने भी लोगों से पूछा कि भैया आपको मरजावा फिल्म कैसी लगी, तो दोस्तों उन सभी लोगों का कहना था कि मरजावा फिल्म पूरी तरह से पैसा वसूल है, और फिल्म शुरू से लेकर आखिरी तक हमें पूरी तरह से एंटरटेन करती है, यानी कि मरजावा फिल्म पूरी तरह से मास एंटरटेनिंग फिल्म बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी खराब रिव्यूज दिए हैं, और खास करके कुछ सस्ते क्रिटिक्स जो कि यूट्यूब पे बैठे हैं और ट्विटर पे बैठे हैं, उन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफी खराब रिव्यूज दिए, और सोचा कि इस फिल्म को खराब रिव्यू देने से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में ऐसा हो चुका है कि क्रिटिक्स के रिव्यूज कोई मतलब नहीं रखते। अगर कोई फिल्म अच्छी है उसके बाद अगर क्रिटिक्स उस फिल्म को खराब भी कहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ही लेती है, और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे पास हाउसफुल 4 और मरजावा। जी हाँ दोस्तों, हाउसफुल 4 को भी काफी खराब रिव्यूज मिले थे, लेकिन वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ कमा गई। वही दोस्तों, मरजावा फिल्म को भी खराब रिव्यूज मिले लेकिन ऑडियंस को फिल्म पसंद आई, और ये फिल्म भी अपने दो दिनों में ताबड़तोड़ कलेक्शन कर चुकी है। अगर बात करें दोस्तों मरजावा के दो दिन के कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म का बजट वो भी डिटेल में। तो दोस्तों, मरजावा फिल्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी फिल्म बनके तैयार हुई है 55 करोड़ रुपए में, वही फिल्म का प्रिंट और पब्लिसिटी यानी कि फिल्म के प्रमोशन का कॉस्ट था लगभग 15 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों मरजावा फिल्म का टोटल बजट हो जाता है लगभग 70 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें मरजावा के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों मरजावा फिल्म के सैटेलाइट राइट बिके है 30 करोड़ रुपए में, तो डिजिटल राइट बिके है 15 करोड़ में। वही दोस्तों मरजावा के म्यूजिक राइट बिके थे 12 करोड़ में। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने अपने डिजिटल राइट, म्यूजिक राइट और सैटेलाइट राइट बेचकर लगभग 57 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। वही दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स बिके थे 35 करोड़ में, यानी कि फिल्म ने रिलीज होने से पहले टोटल 92 यानी 92 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। तो यहां फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपए और फिल्म ने रिलीज होने से पहले 92 करोड़ की कमाई कर ली। लेकिन दोस्तों, आप अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मरजावा फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया लगभग 9 करोड़ 50 लाख रुपए का। वही दोस्तों बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म को दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और इसकी खास वजह यह है कि फिल्म को पब्लिक की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिले, और दूसरी चीज दोस्तों यह है कि सेकंड डे है सैटरडे यानी कि हाफ हॉलीडे, और हाफ हॉलीडे होने की वजह से दोस्तों फिल्म को दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा जंप मिल चुका है। ज्यादा
दोस्तों अगर बात करें दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को दूसरे दिन मॉर्निंग वाले शोज में तो वही नॉर्मल ऑक्यूपेंसी मिली यानी 32 से 35% की, लेकिन दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग के शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग वाले शोज से भी डबल हो रही है। जहाँ दोस्तों अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से मर जावा फिल्म को आफ्टरनून और इवनिंग के शोज में लगभग 55 से 65% तक की ऑक्यूपेंसी मिली, जो कि काफ़ी लाजवाब है। तो दोस्तों जो रिपोर्ट अभी तक आई है और जो डाटा सामने निकल के आ रहा है, उस हिसाब से मरजावा फिल्म अपने दूसरे दिन इंडिया में नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 10,50,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों मरजावा फिल्म का दो दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है लगभग 20 करोड़ रुपए, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन हो रहा है लगभग 24,50,00,000 रुपए। और बात की जाए ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें मरजावा फिल्म को ओवरसीज मार्केट में लगभग 350 स्क्रीन के आसपास रिलीज किया गया था। और दोस्तों इन 350 स्क्रीन पे मरजावा फिल्म ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन कर रही है दो दिनों में लगभग 4,10,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों मरजावा फिल्म का दो दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन बन रहा है लगभग 28,60,00,000 रुपए। दोस्तों फिल्म ने दो दिनों में जहां वर्ल्ड वाइड लगभग 28,60,00,000 रुपए की कमाई कर ली, तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 100 करोड़ का कलेक्शन बड़ी आसानी से करेगी। लेकिन अगर आप में से किसी का सवाल है कि भैया इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होने के लिए कितनी कमाई करनी होगी, तो दोस्तों आपको बता दूं मरजावा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट होने के लिए 75 से 80 करोड़ रुपए कमाना होंगे, वही सुपरहिट होने के लिए 100 करोड़ रुपए और ब्लॉकबस्टर होने के लिए फिल्म को 150 से 170 करोड़ रुपए कमाना होंगे। वही दोस्तों अगर ये फिल्म 200 या 250 करोड़ रुपए कमा लेती है, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो जाएगी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट। तो अब देखते हैं दोस्तों मरजावा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है, सुपर हिट होती है या हो जाती है ब्लॉकबस्टर। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है मरजावा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ या 250 करोड़ रुपए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली मरजावा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।